हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। इंट्राडे में सही एंट्री और सही एग्जिट आप किस तरीके से ले सकते हैं, ₹1000 पर डे इंट्राडे से आप किस तरीके से कमा सकते हैं, और जो चीज मैं आपको इंट्राडे के लिए बताने वाला हूँ उसको आप स्टॉक में, एफएमयू में, फ्यूचर में कहीं पे भी अप्लाई करके इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। बेसिक जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि अगर जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो से जान पाएंगे कि इंट्राडे क्या होता है और किस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो होता है आपके पास डीमैट अकाउंट। ये जो डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ रहा है ये है जीरोधा का डीमैट अकाउंट। तो जीरोधा का ये हमारा अकाउंट है। अगर जो आपका भी अकाउंट जीरोधा में नहीं है तो जीरोधा बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देता है हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और काफी सिंपल टूल देता है। जितने भी आप वीडियो बनाने वालों को देखते होंगे या फिर कहीं पर भी देखते होंगे तो ज्यादा लोग जीरोधा को ही यूज करते हैं। तो आपके पास अगर जो जीरोधा का अकाउंट है तो अच्छी बात है। अगर जो नहीं है तो आप जीरोधा का एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप जीरोधा में एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसके बाद से जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से अगर जो आप काम करते हैं तो आपका लॉस का प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाएगा। तो अभी देखिए आपके पास डीमैट अकाउंट आ चुका है तो अभी हम आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग में क्या है कि आप खरीद के कोई भी स्टॉक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एनीथिंग, कोई भी स्टॉक को, जैसे कि नौकरी है तो यहाँ पे हमने बाई के ऊपर क्लिक किया, बी के ऊपर क्लिक किया। ये हम मैं कंप्यूटर में आपको बता रहा हूँ, मोबाइल में बाई लिख के आएगा। तो आपको बाई के ऊपर क्लिक करना है और बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक है लॉन्ग टर्म और एक है इंट्राडे, यहाँ पे रेगुलर ही रहेगा। और ये है लॉन्ग टर्म और ये है आपका इंट्राडे। तो लॉन्ग टर्म में वो चीज आ जाती है जो आज आप खरीद के चाहे तो सालों साल उसको रख सकते हैं या फिर दो दिन, चार दिन, एक हफ्ते बाद भी आप उसको सेल कर सकते हैं। और नहीं तो आपका मन करता है तो उसको सालों साल, सैकड़ों साल तक रख सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड है। तो वो होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप खरीद के रखते हैं कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए। इंट्राडे का क्या सीन है, इंट्राडे वो चीज होता है जिसमें आप 9:15 में मार्केट ओपन होता है हमारा इंडिया का, तो 9:15 में मार्केट ओपन होता है और 3:30 में बंद हो जाता है। तो इंट्राडे में आप 9:15 के बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और 3:20 के पहले स्क्वायर अप कर सकते हैं। 3:20 के बाद आपका स्क्वायर अप नहीं होगा, उधर से जीरोधा स्क्वायर अप करता है। तो मतलब समझ लीजिए 3:15 से लेके 9:15 से लेकर 3:15 तक इतने टाइम के लिए आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं इक्विटी में, एफएनओ में। उसके बाद अगर जो आपको ट्रेड करना है और भी टाइम के लिए तो आप कमोडिटी अकाउंट में जा सकते हैं। तो कमोडिटी में आपको 11 बजे रात तक फैसिलिटी मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने जाना यहाँ पे कि इंट्राडे का काम होता है सुबह 9:15 से लेकर 3:15 लास्ट, तो लास्ट 3:18 तक आप अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लें। तो इतने टाइम फ्रेम के लिए आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। उसके नीचे जो चीज आती है वो है क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी डालना है आपको बाई करते समय कि कितना क्वांटिटी आप किसी भी शेयर का बाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका प्राइस होगा, प्राइस को आप लिमिट में डाल सकते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए इस शेयर का प्राइस है अभी 4841 रुपए, आपको खरीदना है 4840 रुपए में या फिर 4800 में, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा कि आप यहाँ पे लिमिट पे रहने देंगे और यहाँ पे डाल देंगे 4830 रुपए और उसके बाद से आप सिंपल सा बाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं लिख रहा है मार्केट क्लोज है इसलिए आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहा है। अभी आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इंट्राडे में जीटीटी ऑर्डर हमको प्लेस नहीं करना है, मार्केट ओपन होगा तो इस तरीके से आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज आती है वो है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे कि 4841 रुपए अभी नौकरी के शेयर का प्राइस है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम प्लेस करेंगे यहाँ पर बाई ऑर्डर, हो सकता है कि ये 4850 रुपए, 4860 रुपए या फिर 4840 रुपए या फिर 4830 रुपए, सेकेंडों में प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है 1-2 रुपए मॉर्निंग के सेशन में,
तो उस समय आपका क्या है कि जो भी प्राइस रहेगा उसी प्राइस पे मार्केट ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको वहां पे वो शेयर मिल जाएगा। तो इस तरह से इंट्राडे काम करता है। अब चलिए आपको आगे बताते हैं कि इंट्राडे में आप काम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं एग्जिट हो गया इसी के आसपास, तो उसके वजह से फिर से ये रिट्रेस हुआ ऊपर चला गया, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा टारगेट वहां पे मिल गया। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज को आप ध्यानपूर्वक देखें। तो ये देखिए हमारा निफ्टी जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, ये 8 तारीख का डेट है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ, कंटिन्यूअस गिरा, उसके बाद से थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ तक, उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन लिया था बाई का, जो कि हमारा ऐसे ट्रिगर हो गया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे ऐसे ट्रिगर हो गया, तो थोड़ी देर हमने वेट किया यहाँ पे, और उसके बाद से ये लो हमारा कन्फर्म हो गया, और उसके बाद से दूसरा जो लो लगा वो पहले वाले लो से ऊपर ही लगा। तो यहाँ पे क्या है, हमको हायर लो हायर हाई देखने को मिल रहा था। हायर हाई का मतलब ये होता है कि जो पिछला लो है उससे ऊपर ही अगला लो लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि गिरावट आई, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया। तो ये हमारा पहला बॉटम हो गया और ये हमारा दूसरा बॉटम हो गया। और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, जैसा कि मैं आपको ये क्लीन करके एक बार दिखा देता हूँ, तो यहाँ से ये गिरा और उसके बाद से ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये W का आकार बन रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे W का आकार बन रहा है, साफ सुथरा W आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कभी इधर उधर भी बन जाता है, ये एकदम चार्ट पे साफ नहीं बनता है, लेकिन 8 तारीख को ये एकदम साफ बना था निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे हमने इसको बाय किया था। तो देख सकते हैं चार्ट के ऊपर भी हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था, और साथ ही साथ RSI के ऊपर भी हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था। अगर जो RSI के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं छोटा सा कंक्लूजन बता देता हूँ आपको। RSI का मतलब ये होता है, RSI स्ट्रेंथ को बताता है कि मतलब चार्ट में कितना ज्यादा मजबूती या फिर कमजोरी है, वो चीज आपको RSI यहाँ पे बताता है। तो RSI पे भी हमको डाइवर्जेंस देखने को मिला और साथ ही साथ निफ्टी के चार्ट पे भी देखने को मिला। तो इस पॉइंट पे हमने बाय किया था और ये हमारा SL था। तो यहाँ पे जो भी SL लगा, हमारा टारगेट जो था ये था, देख सकते हैं पिछला दिन का जो रेजिस्टेंस था यही हमारा टारगेट पॉइंट था। तो इस टारगेट के पास आप देख सकते हैं यहाँ से चार कैंडल में ही आ गया। तो यहाँ पे हमने अपना टारगेट बुक किया, उसके बाद रिट्रेस हुआ और फिर ऊपर की तरफ निफ्टी चला गया, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं था क्योंकि हमारा टारगेट वहां पे अचीव हो चुका था। तो इस तरह से जब भी आप देखिएगा तो आपको काफी प्रॉफिट में ट्रेड मिलेगा, काफी प्रॉफिट वाले ट्रेड को आप पकड़ पाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए और पैटर्न को बनने दीजिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ W का आकार आपको बनना चाहिए, तो इस तरह से भी बन सकता है, जैसे कि ऊपर से नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया टेस्ट करने के लिए और फिर नीचे आया, और उसके बाद से कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव दिखाया। तो इस लेवल के आसपास कहीं भी आप बाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं डबल बॉटम, उसी तरह हमारा बनता है डबल टॉप। सिर्फ आपको इसी पैटर्न के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये W बना था, तो W बना था तो ये W बनेगा कब, जब गिरावट होगा उसके बाद ही यहाँ पे W आपको दिखेगा। उसके बाद से जैसे ऊपर का ट्रेंड है और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिरावट आती है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेंड है जो ऐसे ऐसे करके जा रहा है और यहाँ पे जाके कहीं पे रुक गया और थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, और उसके बाद से ये फिर से ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर एक बार टेस्ट करने के लिए गया और उसके बाद से कंटिन्यू गिर गया। तो ये M टाइप का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइप का होगा, जैसे कि ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आ जाएगा। तो इसको आप बोलते हैं डबल टॉप। जैसे कि पहली बार टॉप यहाँ पे लगा और दूसरी बार थोड़ा सा उसी के आसपास लगा, या फिर उससे नीचे लगा, या फिर थोड़ा सा उससे ऊपर भी लग सकता है, तो उसको आप डबल टॉप बोलेंगे। और जैसे ही लो क्रॉस होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लो है, इस लो को जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, आप इसी पॉइंट के आसपास ट्रेड ले सकते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इस पॉइंट के आसपास भी ट्रेड लेने लगेगा, तो वहां से आपका छोटा स्टॉप लॉस बनेगा। लेकिन पहले आपको क्रेस्टिंग कहाँ पे करना है, क्रेस्टिंग आपको करना है ये जो W पैटर्न, सॉरी जो M पैटर्न बना है, इसको जैसे ही क्रॉस करता है उस जगह पे आप अपना एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसी का जो ये लेवल है जहां से बढ़ना स्टार्ट किया था उसी का आप टारगेट यहाँ पे पकड़ लेंगे। तो इस तरह से आपको मैंने आज बताया कि आप डबल बॉटम और डबल टॉप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे में आप चार्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेड के लिए, और किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, बाई सेल आपको किस तरह से करना चाहिए,
ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो के बारे में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और अगर जो आप हमारे लाइव ट्रेन सपोर्ट ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो जीरोधा या फिर अपने स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। आप हमारे लाइव ट्रेन सपोर्ट ग्रुप के बिल्कुल फ्री मेंबर बन जाएंगे, वहां पे आपको कोई भी चार्ज भी नहीं करना है। तो वहां पे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी चार्ट अच्छे बनते हैं उसको मैं वहां पे पोस्ट करते रहता हूं, जिससे कि आपको लर्निंग में काफी आसानी होगी। मैं लर्निंग पर फोकस इसलिए करता हूँ कि जब आप सेल्फ काम करेंगे तभी आपका इनकम आएगा। कोई भी दुनिया का आदमी हो किसी दिन आपको बता देगा, उसके बाद आप फिर वो आदमी नहीं रहेगा तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लर्निंग के ऊपर फोकस करें और खुद से चीजों को समझें और करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।